हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं निगार और आज का वीडियो गाइस होने वाला है हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। सबसे पहले गाइस थैंक यू सो मच कि मेरे जितने भी रेमेडीज़ हैं, जो भी वीडियोस हैं, आप सब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो और स्पेशली मैंने पिगमेंटेशन के ऊपर जो भी वीडियो शेयर किए हैं आपके साथ, उसका आपको अब रिजल्ट भी मिलने लगा है। जो आपके फीडबैक हैं और जो आप उस पर प्यारे प्यारे से अपने कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले गाइस आज यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं उनको भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। और इसके अलावा ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड इसलिए है क्योंकि मैंने आपके साथ जो एक वाटर थेरेपी का वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आप सभी के साथ ठंडे और गर्म पानी को आपको किस तरह से अपने फेस पे यूज करना है पिगमेंटेशन के लिए, रिंकल्स और फाइन लाइंस के लिए, तो वहां पे मुझे एक ऐसा कॉमेंट मिला जिसमें कोई लेडी थी जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम ठंडे गर्म पानी का यूज करेंगे तो हमें सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो गाइज मैंने ठंडे और गर्म पानी का यूज आपके साथ शेयर किया है उसको आयुर्वेद में शीत गर्म थेरेपी कहते हैं, यानी शीत गर्म वाटर थेरेपी के नाम से उसे जाना जाता है। अगर आप सर्च करोगी तो आपको मिल जाएगा। तो अगर उस वाटर थेरेपी का आप यूज करती हैं, एक हफ्ता नहीं लगेगा कि आपको अपने चेहरे पे दोबारा से रौनक से वापस होती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो जो वाटर थेरेपी है वो आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस के अलावा पिगमेंटेशन के ऊपर दोहरी तरीके से काम करती है। ठीक है, उससे आपकी स्किन की रिंकल्स और फाइन लाइंस दूर होती हैं। अगर आपको मेलाज्मा, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन या झाइयों जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है गाइज, तो आज का वीडियो आप सबके लिए इसलिए मैं लेकर आई हूँ क्योंकि जो मैंने ये वाला वीडियो शेयर किया था उसमें आप सबके कमेंट आए थे कि प्लीज़ पिगमेंटेशन के ऊपर डाइट प्लान चार्ट बिल्कुल शेयर करें, पूरा दिन हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और हम अपनी पिगमेंटेशन को किस तरह से क्योर कर सकते हैं, अंदर से हम अपनी पिगमेंटेशन को जड़ से किस तरह से खत्म कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर कंप्लीटली आपने गाइस वॉच कर लिया तो यकीनन आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ना ही आपको अपनी झाइयों के लिए परेशान होना पड़ेगा और ना ही आपको अपना मेकअप से चेहरा छुपाना पड़ेगा। तो गाइस आज का वीडियो कंप्लीटली वॉच कीजिए और मेरे बताए हुए इस डाइट चार्ट को अगर आप कंप्लीटली फॉलो करती हैं तो यकीनन एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा पुराना है, यानी 2 से 3 साल हो चुके हैं या फिर इससे ज्यादा हो चुके हैं, तो 3 से लेकर 4 महीने के बीच में आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर हल्की फुल्की सी आपकी झाइयां हैं तो 2 महीने के अंदर कंप्लीटली वो चली जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए थोड़ा सा हो जाता है गाइस, ये आप बात समझ सकते हो, बट वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल बटन को प्रेस करें और साथ ही ऑल पे कर दिया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको इसी तरह के अमेजिंग और जेन्युइन कंटेंट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो यहां पे गाइस हम बात करते हैं पिगमेंटेशन के लिए कि हमें किस तरह की डाइट लेना चाहिए। पिगमेंटेशन एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाती है तो हमें यही नहीं लगता पता चलता है कि हमें इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। मगर यहां पे एक बात मैं क्लियर कर दूं गाइस कि पिगमेंटेशन अगर आपको चेहरे पे हो गई है तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ आप अपना पैसा बर्बाद करेंगी अगर आप लेजर या फिर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लेती हैं, कहीं भी जाके कोई केमिकल पीलिंग कराती हैं, तो उससे आपको चंद दिनों का रिजल्ट मिलेगा, फिर से वो दोबारा और ज्यादा भर के और उभर कर दिखेंगी आपके चेहरे पे। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले आप अपनी डाइट को सुधारें और यहाँ पे कुछ बातें मैं आपके साथ जो आज शेयर कर रही हूँ यकीनन वो आपको जरूर समझ में आएंगी मेरी। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डाइट प्लान। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आप अपने मॉर्निंग की जो शुरुआत है, यानी दिन की शुरुआत है, आपको 1 ग्लास गर्म पानी से करनी है। ठीक है जी, हाँ गाइस, गर्म पानी अगर आप लेती हैं इसमें चाहे तो हनी या लेमन का आप ऐड कर सकती हो। ठीक है, ये गर्म पानी आपके शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स और गंदगी को निकालकर बाहर करता है। मॉर्निंग में जब हमारा स्टोमिक बिल्कुल खाली होता है, ये गर्म पानी हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो जो हमारे विषैले पदार्थ हैं जो इंटेस्टाइन में हमारे जमा हो चुके हैं वो निकलकर बाहर आने लगते हैं। तो डेली अपने रूटीन में 1 ग्लास गर्म पानी को शामिल कीजिए। चाहे आप इसमें लेमन ऐड कर लें या फिर आप इसमें हनी ऐड कर लें या फिर आप चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर भी आप इसमें यूज कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं। ठीक है, तो ये दिन की शुरुआत है आपकी 1 ग्लास गर्म पानी से। उसके बाद गाइज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है ये मैजिकल वाटर जो कि आपको डेली पीना है। ठीक है, इसको आप बना के रख लें, सारे इंग्रीडियंट्स आपको घर में मिलेंगे, आपके किचन में मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैजिकल वाटर आप बना लें। वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे ही वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। तो पूरा
दिन गाइस आपको ये मैजिकल वाटर 1 लीटर बिल्कुल खत्म करना है और दूसरे दिन के लिए बनाकर रख देना है। ठीक है, किस तरह से बनाना है सब कुछ आप इस वीडियो में जान जाएंगी, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैजिकल वाटर आपके शरीर में जमा हुई जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, उसको निकाल कर बाहर करेगा। ठीक है, और टॉक्सिन्स का निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो हमें स्किन की होती है। अनप्योरिटीज़ नज़र आने लगती है स्किन के ऊपर, उसके अलावा रिंकल्स, उझाइयाँ और पिगमेंटेशन, ये सारी हमारे चेहरे के ऊपर झलकने लगती हैं। तो क्यों ना हम जड़ से इलाज करें अपनी इन सारी चीज़ों का। तो गाइज यहाँ पे आपको ये पानी पीना है, उसके बाद आती है आपके नाश्ते की बारी। ठीक है, नाश्ते में अगर आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करती हैं तो 1 कप दिन भर में आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें। और इसके अलावा आप नाश्ते में, यहाँ पे मैं स्प्राउट बनाना बता रही हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी है, फाइबर और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है। इसके लिए आपको थोड़े से ये देख सकते हैं जो खड़े मूंग होते हैं गाइस, यहाँ पे हरी मूंग आपको ले लेनी है। 1 दिन के लिए आप उसको भिगो के रखें और उसको मलमल के कपड़े में आप पोटली बनाकर टांग दें। ठीक है, तो दूसरे दिन जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से अंकुर उसमें निकल आएंगे। ये बहुत ही ताकत का खजाना है गाइस, और आपकी पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये रामबाण इलाज है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से खड़े मूंग आपको ले लेने हैं, दूसरे दिन आप देखेंगे तो अंकुर फूट जाएंगे। तो इन खड़े मूंग को सबसे पहले हम अपना स्प्राउट बनाएंगे गाइस, जो कि हमें नाश्ते में लेना है। थोड़े से ये खड़े मूंग आप ले लें जिसमें अंकुर निकले हुए हैं। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़े से भीगे हुए चने, ठीक है, जो कि आयरन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। भीगे हुए चने ले लेने हैं, कुछ भीगी हुई मूंगफली के दाने ले लेने हैं, यानी इन तीनों चीज़ों को आपको ओवरनाइट भिगोकर रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सा कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी प्याज। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया, हरा मिर्चा, और लास्ट में हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस आपको स्क्विश कर देना है। और ये हमारा फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर नाश्ता तैयार है गाइज। ये नाश्ता आपको मॉर्निंग में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाउल सुबह आपको ये स्प्राउट ले लेने हैं, इसके अलावा जो भी आप खाती हैं खा सकती हैं। ठीक है, बशर्ते ये कि वो हेल्दी होना चाहिए, जैसे सब्जी या पराठा ले लें आप। उसके बाद अगर आप चाहें तो 1 ग्लास मिक्स फ्रूट जूस ले लें, तो ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के ग्लो के लिए। तो आपको कौन सा जूस लेना चाहिए जो कि आपके पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म करेगा, उसका भी वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। नहीं देखा है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लें। 1 ग्लास आप जूस ले लें। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपका मॉर्निंग का नाश्ता हो गया है, भरपूर फाइबर्स, विटामिन्स और प्रोटीन से, जो कि आपकी ब्लैमिशेस को, आपके पिगमेंटेशन को, आपकी झाइयों को दूर करेगा। अब बारी आती है गाइस दोपहर की। तो दोपहर में आप सब्जी, दाल, चपाती जो भी लेती हैं आप ले सकती हैं, बशर्ते ये कि उससे पहले आपको भर कर 1 बाउल सलाद खानी है। सलाद को आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। यहाँ पे मैं सलाद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सलाद में आप गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, पालक के पत्ते, हरे कैबेज, ठीक है, और ब्रोकली, इन सारी चीज़ों का एक भरपूर 1 बाउल बना लें और सबसे पहले आपको ये सलाद खानी है। ठीक है, खाना भले ही आप छोड़ सकती हो बट सलाद को बिल्कुल आपको अवॉइड नहीं करना है, सलाद आपको ज़रूर लेना है। और ये सलाद आपको 2 बार लेनी है, यानी 1 बार दोपहर में लें और 1 बार रात में जब आप डिनर करती हैं तब लेना है। ठीक है, तो ये आपका ये सलाद जो है गाइस, ये आपके जो अंदर हमारे जो कि टॉक्सिन्स है उनको भी दूर करता है। इसके अलावा जो हमारी पाचन क्रिया है तो कि उसको भी मजबूत बनाता है, और जल्दी से जो हम भी खाते पीते हैं वो पच जाता है और हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। इसके इस्तेमाल से चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है हमारा। तो ये आपको सलाद लेनी है। इसके अलावा आप दोपहर में खाना खाने के बाद 1 कटोरी दही खाना बिल्कुल ना भूले। दही हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए और हमारे जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है गाइस। ये बहुत हेल्दी होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, हमारी स्किन को एक हेल्दियर ग्लो देता है। तो 1 कटोरी आपको दही ले लेनी है। तो 2 ऐसी चीज़ें मैं और आपको यहाँ पे बताऊंगी गाइस, जब आप दोपहर में खाना खा लें तो किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की मल्टी विटामिन्स आप लेना बिल्कुल ना भूलें, जो कि हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी को
पूरा करती है। इसके अलावा पिगमेंटेशन वाले लोग जो हैं, जिनको झाइयाँ हो गई हैं, तो उनको अपने जो डाइट है उसमें फॉलिक एसिड का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। ये दो टैबलेट हैं जिनको आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक और मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगी, यहाँ पे एक प्रोडक्ट को मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, जिसका यूज़ मैं कुछ दिनों से कर रही हूँ और इसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मुझे मिलना स्टार्ट हुए हैं। आफ्टर सम टाइम मैं आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर करूंगी। ये आपकी स्किन को एजलेस बनाता है गाइस, और जिनको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, और जो अपने ब्लेमिशेस से बहुत ज़्यादा परेशान है, झाइयों से बहुत परेशान है, तो उनके लिए ये कमाल का रामबाण इलाज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो एक बात को यहाँ पे गाइस मैं क्लियर कर दूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी तभी दिखाई पड़ती है जब धुंध छटती है, ठीक है। तो हमें अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को अंदर से निकालना है, अपनी झाइयों को अंदर से जड़ से ख़त्म करना है। इसके लिए मैं कंप्लीट डाइट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसके अलावा ऊपर से भी हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना है, क्योंकि तो हमारे बॉडी का जो ग्लो है, हमारे चेहरे की जो शाइनिंग है, वो तभी नज़र आएगी जब ऊपर की टैनिंग हमारी रिमूव होगी। तो यहाँ पे टाइम टाइम पे मैं आप सभी के साथ अमेजिंग से फेस को रेमेडीज शेयर करती रहती हूँ, होम रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप बारी आती है इवनिंग की यहाँ पे गाइस, तो इवनिंग में आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, मखाने को फ्राई कर ले उसको ले सकती हैं, चाय या कॉफी लेती हैं तो कॉफी नहीं, कॉफी की जगह आप चाय ले सकती हैं, वो भी एक कप। ज्यादा आपको चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। तो ये शाम का हल्का सा नाश्ता है जो हम सभी लोग चाय के साथ करते हैं, तो इसमें आप मूंगफली के दाने भी ले सकती हैं, क्योंकि वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। नाइट में आप जो भी सिंपल खाना लेती हैं वो ले सकती हैं, ठीक है, दाल, सब्जी, चपाती। चावल को आपको अवॉइड करना है, मैदे से बनी हुई चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, बेकरी प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और रात में आप हल्का खाना लेने की कोशिश करें, बट आपको सलाद खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक बाउल भर के पहले आप सलाद खाएं, उसके बाद आप अपना खाना खाएं, ठीक है। तो बहुत ही हल्का हो जाएगा जब आप सलाद लोगी, तो उससे ही आपका पेट काफ़ी हद तक भर जाता है। उसके बाद आप हल्का फुल्का एक दो चपाती ले लें, दाल ले लें, सब्जी ले लें, दही ले सकती हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप नाइट में अगर दूध लेती हैं तो दूध में एक चम्मच देसी घी का यूज़ ज़रूर करें, अगर वो देसी घी गाय का है तो बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो क्या आपको लेना चाहिए। तो आप अंडा ले सकती हैं, फिश ले सकती हैं। इसके अलावा गाइस आपको अगर आप चिकन खाना पसंद करती हैं तो चिकन ज़रूर लें, क्योंकि ये वो हेल्दी भी होता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसके अलावा कोई भी एक फल आपको पूरा दिन में लेना है जिसका कलर डार्क हो। यहाँ पे जैसे कि आप एप्पल ले सकती हैं, रेड कलर का हो बिल्कुल, टमाटो भी खा सकती हैं आप, ऑरेंज ले सकती हैं, ब्लैकबेरी ले सकती हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकती हैं। तो जितने भी डार्क कलर के फल होते हैं गाइस, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जब हम इसे कंज्यूम करते हैं, तो खुद ब खुद रौनक बाहर आने लगती है, चेहरे का ग्लो बढ़ने लगता है। पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फ्रूट्स का यूज़ ज़रूर करें, इसके अलावा जूसेस भी आप लें, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाइट थी, और जिनको गाइस पिगमेंटेशन है वो अपने खाने में चुकंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चुकंदर और टमाटर आप ले सकती हो, ठीक है। पिगमेंटेशन के ऊपर मेरे कई ऑलरेडी मैंने कई वीडियो शेयर किए हैं गाइस, जो कि आपके चेहरे को ग्लो देते हैं, नेचुरल तरीके से आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करते हैं, ख़त्म करते हैं, जड़ से रिमूव करते हैं। तो ये सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं आपको, आप वहां से जाके उन वीडियोस को वॉच करें। फेस पैक है, बहुत ही अमेजिंग सी नेचुरल रेमेडीज हैं। ज्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि घर बैठे आपकी प्रॉब्लम का मैं सलूशन दे सकूं, और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके ही मैं नेचुरल रेमेडी शेयर करती हूं जो कि इजीली आपको सारी घर पे मिल जाए। तो ये था गाइस कंप्लीट डाइट चार्ट जो कि आपकी पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म करेगा और हमेशा आपके चेहरे पे एक हेल्दियर ग्लो बनाए रखेगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, मिलाज्मा है या फ्रेकल्स हैं। ये सारे ही लोग इस डाइट को अगर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप कभी बूढ़ी नहीं होंगी, आपके चेहरे का ग्लो कभी खत्म नहीं होगा, चेहरे पे जल्दी से रिंकल्स और फाइन लाइंस नहीं आएंगे। इसके अलावा आपके चेहरे का नूर कभी खत्म नहीं होगा।
का। तो ये ऐसी चीजें थी गाइस जिनका पूरा कॉम्बिनेशन अगर आपके बॉडी के अंदर जाता है, अगर इन सारी चीजों को आप कंज्यूम करती हैं, तो इससे आपका ग्लो भी बढ़ता है, आपकी चेहरे की शाइनिंग बढ़ती है, और कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं। तो पिगमेंटेशन के लिए ये एक स्पेशल कंप्लीट डाइट थी जिसका इस्तेमाल आपको करना ही करना है, ठीक है। हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है, एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा पुरानी आपकी झाइयां हैं या पिगमेंटेशन मिलाजमा है या फिर एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं गाइस, क्योंकि आपको इसको कंटिन्यूअसली करना है। क्योंकि ऐसा ना करें आपकी एक दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा और फिर उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि उससे ना आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी झाइयों को कंप्लीटली ख़त्म करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि ये झाइयाँ हमेशा के लिए चली जाएँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से वापस आ जाए, जो चेहरा आपका पहले था वो फिर से वापस आ जाए और हमेशा आप जैसे अपने चेहरे को शीशे में देख के मुस्कुराती थी उसी तरह से मुस्कुराना चाहती हैं, तो इन सारी चीजों को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। और जो मैं वक्त वक्त में आपके साथ झाइयां और मिलाजमा के ऊपर जो फेस पैक शेयर करती हूं उनको भी लगाएं आप, क्योंकि उससे आपकी स्किन का ऊपर से जो टैनिंग है, जो ऊपर से कॉम्प्लेक्शन आपका डल हो गया है, ऊपर से जो आपके पिगमेंटेशन आने लगी, जो स्पॉट दिखते हैं चेहरे पे या रिंकल्स और फाइन लाइंस दिखती हैं, वो आपकी रिमूव होती हैं। तो अपनी बॉडी का ख्याल आप अंदर से रखें डाइट के जरिए, और ऊपर से नेचुरल रेमेडीज को आप यूज करें, जो कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी नेचुरल रेमेडीज लेकर आती हूं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें बिना ना जाइएगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपने लाइक किया है कि नहीं, उससे मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। अच्छा लगेगा मुझे देखकर कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल बटन को ऑल पे कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो इसी तरह के जेन्युइन और अमेजिंग कंटेंट के वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।